नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम आए हैं ज्वाला संगठन की डायरेक्टर मिसेस डॉक्टर दिव्या गुप्ता के यहाँ और हम उनसे जानेंगे उनके ज्वाला संगठन के बारे में कि उन्होंने ये कैसे स्टार्ट किया और इसके थ्रू उन्होंने महिलाओं की क्या क्या मदद की। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपसे ज्वाला संगठन के बारे में जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कब से की। 2012 में एक इंसिडेंट हुआ था असम में जहाँ पर एक लड़की को सरेआम निर्वस्त्र करा गया, उसका MMS बनाया गया और उसके MMS को वायरल करा गया। उस ज़माने में MMS हुआ करते थे जी। तो उसके लिए हमने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। अभी हम लोग संगठित होना ही चाह रहे थे कि तुरंत एक घटना और हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। वो दुर्घटना थी निर्भया इंसिडेंट की और फिर एक कैंडल मार्च निकाला गया। उस समय मुझे ये लगा कि ये जो है कैंडल मार्च एक प्रोटेस्ट का तरीका है, तो कैंडल मार्च जवाब नहीं है उन चीज़ों का जो हो रहा है समाज में। उसके लिए हमें कुछ धरती पर ग्रास रूट लेवल पर कुछ ऐसा करना होगा कि जब इस तरह के इंसिडेंट्स कम हों या हमारी लड़कियां आत्मनिर्भर हों। तो हमने इस संस्था का जन्म हुआ, ऑर्गेनाइज करा कुछ महिलाओं को, वो महिलाएँ जो सचमुच समाज में कुछ तब्दीली चाहती थी। और ये डिसाइड हुआ कि अब कैंडल मार्च नहीं होगा, अब सैंडल मार्च होगा। तो तब हम लोगों ने एक संस्था का सोचा, विचार करा, उस संस्था का नाम रखा ज्वाला। जैसा कि अर्थ है ज्वाला, वो अपने आप में एक रौद्र रूप है अग्नि का और वो बताता है कि हमारे अंदर जो अग्नि है उसको प्रज्वलित रखना कितना ज़रूरी है और उस आग के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगी। हम चिंगारी नहीं है, हम 440 वोल्ट का झटका है। जिस दिन अगर आप छूने की कोशिश करेंगे तो आप भस्म हो जाएंगे, उसके लिए तैयार रहें। तो सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करा और स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज, जहाँ जहाँ जिस जिसने जैसे जैसे बताया हम लोग वहाँ वहाँ गए और कुछ अपने आप भी ऑर्गेनाइज करे कैंप्स। और उस 2012 से 2019 तक के सफ़र में हम लोग अब 100,000 लड़कियों तक पहुँच चुके हैं और 100,000 लड़कियों को हम सेल्फ डिफेंस ज्वाला के माध्यम से सिखा चुके हैं। जो सेल्फ डिफेंस आप टेक्निक सिखाती हैं तो कौन सी टेक्निक है जो लड़कियों को, महिलाओं को सिखाई जाती? देखिए, अमूमन एक ही है, सबके मन में ख्याल आता है कि जूडो कराटे सेल्फ डिफेंस, बट लेट मी टेल यू, जूडो कराटे अकेला सेल्फ डिफेंस नहीं है। उसके लिए दो तरीके की चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि आप किन चीज़ों से सावधान रहें, क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान और आभास दोनों होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डूज एंड डोंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब हमारा एक काउंसलिंग सेशन लेता है जिसमें हम काउंसलिंग सेशन में ये सारी की सारी चीज़ें उनको अवगत कराते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं। दूसरा है टेक्निक। दिस इज़ नॉट जूडो कराटे बट दिस इज़ अ टेक्निक। मेरा हाथ यदि किसी ने पकड़ा है तो मैं उसको किस टेक्निक से अपने हाथ को छुड़ा सकती हूँ। ये कराटे नहीं सिखाता है, कराटे का एक पार्ट हो सकता है बट दिस इज़ नॉट ओनली कराटे। इसलिए वो जो टेक्निक है वो हमारी टीम ने बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करने के बाद, इस तरह के अनेकों नेक स्टेप्स हैं जो हम सिखाते हैं, तो ये टेक्निक्स हम सिखाते हैं। सो इसलिए हमारा सेशन अपने आप में एक अनूठा है और अलग तरह का सेशन है। कितनी महिलाएं और बच्चियां आपके सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ले चुकी हैं और कितने सेशन हो गए हैं आपके काउंसलिंग के? काउंसलिंग और सेल्फ डिफेंस ऑलमोस्ट साथ साथ चलता है। काउंसलिंग सेशन पहला होता है जिसमें हम सब बताते हैं और उसके बाद हम सेल्फ डिफेंस की टिप्स देते हैं। हमारे दो तरह के सेशंस होते हैं, एक तो ये कि जैसे एक ट्रेलर होता है प्रोमो, हम स्कूल कॉलेज में जहाँ भी इन्वाइटेड रहते हैं वहाँ जाते हैं, वो 2 घंटे का सेशन होता है। करीबन 1 घंटा से 1.25 घंटा हम रखते हैं काउंसलिंग के लिए। फिर उसके बाद हमारे जो ट्रेनर हमारे साथ हैं, हमारी टीम है, वो साथ में चलती है, वो टिप्स सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम एक ओपन सेशन रखते हैं क्वेश्चन आंसर्स का, क्योंकि हमारे सेशन के बाद बहुत लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं जो पूछना चाहते हैं या उनके साथ जो घटनाएं होती हैं वो सडनली उनको याद आती हैं, वो उसके बारे में हमसे लड़कियां पूछना चाहती हैं। तो इस तरह का सेशन बहुत अच्छा सेशन होता है, तो ये करीब 2 घंटे का होता है। फिर उसके बाद एक विस्तारित सेशन है जिसमें हम 10 दिन लगातार बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, वो रोज़ 1 घंटा होता है। इस तरह का सेशन भी कराते हैं लगातार। तो जैसा मैंने अभी आपको जिक्र करा कि हम लोग अब तक 100,000 लड़कियों से ज़्यादा पहुँच चुके हैं ये सेशन कराते कराते, मोर देन 125 सेशन हो गए। इनफैक्ट अभी आज ही एक और सेशन है। सेल्फ डिफेंस के अलावा महिलाओं के लिए आप और क्या करेंगे? सबसे पहले मैं वापस आती हूँ कि मैं पुरुषों के लिए क्या करूँगी जी क्योंकि हम महिलाओं से क्यों बात कर रहे हैं। जब मुझे इस इंसिडेंट के बारे में चर्चा करनी चाहिए, जब इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में चर्चा करनी, तो मैं लड़कियों से क्यों बात कर रही हूँ?
चुका है, जैसे तो मुझे पुरुषों से बात करनी चाहिए या लड़कों से बात करनी चाहिए। तो हमने एक और एक मॉड्यूल डिजाइन करा जिसका नाम है मैं रक्षक, यानी जो रक्षक है वो भक्षक नहीं बनेगा, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। समाज में मूलभूत परिवर्तन तभी आएगा जब हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की चर्चा करेंगे। जब तक हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ लड़कियों से बात करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो कहीं और है जी, उसके बारे में क्यों नहीं विचार करा जाना चाहिए। तो जब तक सोच में तब्दीली नहीं होगी, सोसाइटी मैच्योर नहीं होगी, तब तक हम इस समस्या से लड़ नहीं पाएंगे। इसे दूसरी तरफ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो एक मॉड्यूल लड़कों या पुरुषों के लिए जिसका नाम है मैं रक्षक, तो वो भी एक कार्यक्रम चल रहा है और उसको भी चलाया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से उस कार्यक्रम को पॉपुलर करना और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों का सेल्फ डिफेंस और ये सब चर्चाएं तो बहुत आम और कॉमन होती जा रही हैं और लड़कियां आप अपने आप के लिए बहुत अवेयर हो गई हैं, बट व्हाट अबाउट बॉयज एंड व्हाट अबाउट मेन, सो दे नीड टू बी सेंसिटाइज। तो ये एक अलग कार्यक्रम है। अब मैं आती हूँ महिलाओं पर, जो आपने मेरे से प्रश्न करा था। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि जब तक महिलाएँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, आर्थिक रूप से जब तक वो स्वावलंबी नहीं होंगी, तब तक महिला एम्पावरमेंट की हमको चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज उसके लिए सबसे पहले जो ये हाथ मांगने का होता है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक वो एम्पावर अपने आप को महसूस नहीं कर पाएगी। एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करा जिस मॉड्यूल में हम पर्यावरण की चिंता कर रहे थे, महिलाओं की चिंता कर रहे थे, और साथ के साथ अनूठा एक प्रयोग था। अनूठा प्रयोग इसलिए था कि हमने घरों से न्यूज़पेपर इकट्ठा करना शुरू करा, उस न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर बैग बनवाया, इन महिलाओं को ट्रेन करा। ये वो महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं और घरों से बाहर निकलना इन्हें अलाउड नहीं होता, और पूरा समय सुबह से लेकर शाम तक का समय इनका खाली समय जाता है जिसमें इन लोग कुछ नहीं, सिर्फ गप्पेबाजी, बात एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। इन महिलाओं को यदि हम पेपर बैग बनाना सिखाते तो हम मार्केट से पॉलीथीन का बैग हटाते, इस पेपर बैग को वहाँ रिप्लेस करते। उसके साथ साथ हमने ब्राउन पेपर बैग की भी चिंता करी। ब्राउन पेपर बैग, एक ब्राउन पेपर बैग को बनाने के लिए 5 पेड़ कटते हैं तो एक ब्राउन पेपर बैग बनता है, और हम लोग आजकल क्या करते हैं, एक ब्राउन पेपर बैग देते हैं और उसके ऊपर बड़ी शान से लिख देते हैं सेफ ट्रीज। जब आपने 5 पेड़ प्लांट नहीं करे तो आपको अधिकार नहीं है कि आप एक ब्राउन पेपर बैग लेकर जाए, या तो आप अपने घर से थैला लेकर जाइए, अगर आप में उतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम उस ब्राउन पेपर बैग के लिए मना करिए, वो भी नहीं आप करते। तो हमने उसका एक विकल्प तैयार करा, न्यूज़पेपर बैग। ये वो पेपर है जो ऑलरेडी प्रिंटेड बाजार में है, इसको हमको रिसाइकिल करना है, तो इसलिए हमने इस न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करा। उससे एक ब्राउन पेपर बैग हट गया जी, उससे पॉलीथीन बैग हट गया, इन घर बैठी महिलाओं को रोज़गार मिला, जिसके कारण आज ये महिलाएं अपने घर बैठ के, मॉडल ये है कि वो घर बैठ के काम करें, हमारे पास रॉ मटेरियल लेकर जाए, अपने घर में बैठे अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, फ्री टाइम में गप्पे मारने के अलावा ये बैठ के अगर ये पेपर बैग बनाएंगे तो इससे इनको रोज़गार मिलेगा। हमने 5 महिलाओं से शुरू करा था, मेरे आसपास की 5 महिलाएं थी, उसके लिए बहुत स्ट्रगल हुआ, 2.5 साल मैंने बहुत स्ट्रगल सहा। मैं हर बार जहाँ जिस दुकान पर जाके उनको बोला करती थी कि आप मेरे से पेपर बैग ले लीजिए, मैं आपको एक विकल्प दे रही हूँ, तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि पेपर बैग असुंदर होता है, इट्स नॉट अ वेरी प्रिटी लुकिंग बैग। तो करते करते 5 महिलाओं से आज ये समूह 500 पर पहुँच गया है, और 500 महिलाएँ हैं जो इस उद्योग में लगी हुई हैं और वो घर बैठ के रोज़गार अपना पा रही हैं। और मैं कभी आपको उनसे चर्चा करवाऊँगी, आप उनसे आके मिलिए, उनसे पूछिए कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। मेरे बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इन महिलाओं से मिलिए और उनसे जानिए कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। वो जो 5,000 रुपया या 2,000 रुपया या 8,000 रुपया वो कमा लेती हैं एक पेपर बैग बना के एक महीने में, वो 5,000 या 6,000 उनके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है वो आप जानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पेपर बैग आपने पहले स्टार्टिंग की उसको बनाने की, तो लोगों ने उसको लेने से इनकार कर दिया, जैसा कि आपने बताया, अब अपना रहे हैं लोग। अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी बहुत स्ट्रगल है, अभी भी लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, लिटरली उनको बार बार समझाना पड़ता है कि आपका एक छोटा सा योगदान उस महिला के घर को चलाने के लिए, उस महिला के स्वावलंबी होने के लिए, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आप एक छोटा सा योगदान दीजिए, समाज में क्यों नहीं देना चाहिए। एक बैग के लिए आप इतना सब कमाते हैं, मैं बड़े बड़े नामों की जिक्र करना चाहूँगी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं शहर, वो उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन समाज में वो वापस देने का हमारे यहाँ मन है ही नहीं। तो क्या आपके एक पेपर बैग देने से उस महिला का यदि घर चलता
तो उसमें क्या प्रॉब्लम? आप एक महिला डॉक्टर भी हैं, तो आपका डॉक्टर करियर में आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो जिन्हें आपको परेशान किया हो? परेशान करा जी? आई डोंट रिमेम्बर रियली इसलिए, क्योंकि आई थिंक बाय फार भगवान की बहुत अनंत कृपा रही है, मेरे पेशेंट्स आज दिन तक मेरे साथ बहुत सेटिस्फाइड रहे हैं जी। और मेरा इतना 35 साल का करियर हो गया, इस 35 साल के करियर में मुझे नहीं ध्यान है कि कभी किसी ने मुझे सचमुच आके कभी कुछ ज़रा सा भी अपशब्द या बुरा भला कहा हो। इनफैक्ट आज दिन तक सब सिर्फ अच्छा ही सुना है मेरे कानों ने, तो ईश्वर का ऐसा कोई दिन ना आए, ऐसा कोई मौका ना आए। सो फार अभी तक मेरा आई थिंक USP यही है, मतलब काफ़ी अच्छा करियर रहा है। मतलब कोई ऐसा केस भी नहीं हुआ जिसने आपके मन को परेशान कर दिया हो कि यार ऐसा नहीं होना था और ऐसा होगा? अग्री। सो देयर वाज वन केस, यस आई रिमेम्बर, डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। जो केसेस कुछ होते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ऐसा एक वो केस था। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेडिकल निग्लेक्शन था, पर उस केस में कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस अनायास होते चले गए, जिन कॉम्प्लिकेशंस का कई बार आप और हम इंसानी तौर पर, डॉक्टरी तौर पर भी उसका कंट्रोल नहीं होता है। और उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो जब महिला ने बच्चे को जन्म दिया, उस वक्त वी हैड टू लूज दैट चाइल्ड, हम उस बच्चे को सेव नहीं कर पाए। और मेरे लिए वो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। इससे ख़राब एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं इमोशनली अटैच हो जाती हूँ पेशेंट्स के साथ, और प्रॉब्ली इसीलिए वो पेशेंट्स अपने घर भर की सारी दास्तान और मेरे बच्चे का एडमिशन कहाँ होना चाहिए वगैरह वगैरह अपने घर की सारी समस्या मेरे साथ आके डिस्कस करते हैं, इसलिए बिकॉज मेरा उनके साथ इंट्रैक्शन 1-to-1 बेसिस है। तो उसने मुझे बहुत परेशान किया था, और फिर हमने बहुत सोचा समझा क्यों, क्या, कैसे, किस तरह से। उसके लिए मैंने फिर हायर स्टडीज़ वापस, मैं प्रैक्टिस छोड़ के फिर वापस हायर स्टडीज़ के लिए वापस चली गई थी। और एक वो है, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बहुत दुखती रख छेड़ दिया आज तो मुझे कहने में शायद अतिशयोक्ति ना होगी कि मैं शायद इंदौर की पहली IVF एक्सपर्ट थी। IVF एक्सपर्ट यानी इनफर्टिलिटी, योर टेस्ट यू बेबी आपके। मैंने बॉम्बे से जाकर ट्रेनिंग ली, और उस समय सक्सेस रेट बहुत हाई नहीं था क्योंकि इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे नहीं थे, टेक्निक्स बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत साल पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, तो तब सक्सेस रेट वॉज वेरी पुअर। जो रिएजेंट्स यूज़ करे जाते थे वो अच्छे नहीं थे वगैरह वगैरह, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरी भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, मैं भी उतनी फाइनेंशियली उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी वगैरह वगैरह। एक परिवार था जो बहुत दूर इटारसी से कहीं से आया था मेरे पास, और उन्होंने आके इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट मेरे से लेना स्टार्ट करा। मुझे बातों बातों में बाद में समझ में आया कि वो लोग अपनी ज़मीन गिरवी रख कर वो सारा का सारा पैसा लेकर मेरे पास आए थे कि ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, मैं पहली साइकिल में उनको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाई जो कायदे से देना चाहिए था। पर पहली साइकिल में वैसे भी बहुत मुश्किल था उस ज़माने में देना, पर मेरे लिए वो बहुत ख़राब था, और मैं रात भर सो नहीं पाई जब वो रिज़ल्ट आया कि वो शी इज़ नॉट प्रेगनेंट। मैं नहीं सो पाई, मैंने अगले दिन उनको सारा उनका पैसा वापस करा, और क्योंकि मैं वो पैसा लेके मैं नहीं जी सकती थी, उनकी सारी व्यथा देख के मैं खुद बहुत व्यथित थी। और वो देने के बाद मैंने उनसे नमस्कार करा, और मैंने बहुत अपने आप में चिंतन मनन करा, और फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद से आज दिन तक मैंने इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि मैं बहुत इमोशनली अटैच हो गई थी उस परिवार के साथ। तो अभी कुछ आता है मेरे पास, जहाँ तक मेरे लेवल तक मैं कर सकती हूँ, ईश्वर की बहुत कृपा रही, मेरे लेवल तक सब ट्रीट हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कोई बहुत ही निराला विरला केस होता है जो मुझे कहीं बाहर भेजना होता है, मैं भेज के खुश हूँ, लेकिन मैं इस तरह का पैसा रख के प्रैक्टिस नहीं करना चाहती। ज्वाला संगठन के थ्रू आप आगे समाज के लिए और क्या? बहुत सारा काम है। द वुड्स आर लवली डार्क इन डीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सो काम करने को अनंत है। अब हम मेंस्ट्रुअल एजुकेशन पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सैनिटरी नैपकिन की चर्चा तो बहुत होती रहती है और होती रहेगी, बट एजुकेटिंग अ वुमन अबाउट मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसिंग हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी टीम बहुत अच्छा ऑथेंटिक रिसर्च का काम कर रही है, ऑथेंटिक काम करने में लगी हुई, बहुत सारा काम है। स्लम टू स्लम जा रहे हैं, रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के उसके साथ जुड़ गए हैं, वो काम कर रहे हैं। अब एक नया वेंचर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी रिसर्च स्टार्ट हो गई है कि मेटर्नल न्यूट्रिशन पर हम काम करेंगे। मेटर्नल न्यूट्रिशन यानी जो महिला गर्भवती है निचले तबके की, उस महिला को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक हेल्दी नेशन की बात करते हैं तो
तो हेल्दी नेशन तभी हो पाएगा जब एक हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे। यदि बच्चा ही अस्वस्थ है तो वो बाद में जाके पूरी जगह अस्वस्थ ही रहेगा। तो रिवर्सल पे जा रहे हैं, उस बच्चे पे काम करने के बजाय एक अडल्ट पे काम करने के बजाय हम एक माँ पे काम करेंगे जो एक हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे। ज्वाला संगठन यहाँ तक पहुँच गया है, आगे भी महिलाओं के लिए कई काम किए जाएंगे। आप महिलाओं को कुछ ऐसा संदेश देना चाहती हैं जिससे वो मतलब उनको शक्ति मिले या वो सोच सकें कि हमको किसी से डरना नहीं, तो ऐसा कुछ आप महिलाओं के लिए बोल दीजिए। देखिए, महिला तो ऑलरेडी बहुत सशक्त है। मैं मेरे हर लेक्चर में कहती हूँ और हमेशा कहती आ रही हूँ, महिला जैसा शक्तिवान कोई नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं उसको बताती हूँ कि उसके बेसिस क्या है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो महिला एक प्रसव पीड़ा को झेल सकती है, जो हर माँ की तकलीफ को झेल सकती है, एक प्रसव पीड़ा यानी वो पीड़ा जिसमें से वो साक्षात मौत के मुंह से बाहर आती है, उसके बाद वो एक बच्चे की मुस्कुराहट देख के अपनी सारी पीड़ा भूल के और फिर मुस्कुरा देती है, उससे बड़ा शक्तिशाली शक्तिवान कोई हो ही नहीं सकता है। और ये सिर्फ भगवान ने प्रदत्त महिला को ही इसलिए करा है क्योंकि वो ही सहन कर सकती है और कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए जिसके पास ये शक्ति हो, इतनी अपार शक्ति हो, वो कुछ भी ला सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए सिर्फ आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, उसको जानना है और उसके आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि दुनिया में अनंत कर सकती हैं आप, आपके लिए असीम असीम आसमान है, उन आसमान को छूना कोई आसान कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आगे बढ़िए, कदम उठाइए, ये दुनिया आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने महिलाओं के लिए इतना प्यारा संदेश दिया और हमसे ये चर्चा की। आप देख रहे हैं ghamasan.com, आगे के लिए भी बने रहिए आप हमारे साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।